नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। खबरें नेपाल से। बीरगंज पारसा के ठोरी गांव पालिका में एमएलए का श्रेष्ठ और रैगमी हुई विजय। पारसा जिला के ठोरी गांव पालिका में एमएलए के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मारी बाजी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील शाह कानो ने बताया कि अध्यक्ष पद में लाल बहादुर श्रेष्ठ और उपाध्यक्ष पद पर गोकली कुमारी रैगमी निर्वाचित हुआ। 4049 मत प्राप्त कर लाल बहादुर श्रेष्ठ ने महोदय केंद्र के उम्मीदवार पदमलाल श्रेष्ठ को 716 मत से पराजित किया। नवनिर्वाचित एमएलए का गोकली कुमारी रेग्मी ने मवादी केंद्र के उम्मीदवार नीरू तमांग को 1216 मत से पराजित कर उपाध्यक्ष पद हासिल किए। निर्वाचन अधिकारी शाह के अनुसार 5 वार्ड के ठोरी गांव पालिका में एमएलए के 3, कांग्रेस को 1 और मवादी को 1-1 सीट प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बीरगंज पारसा, नेपाल।